सीने में गोली मारा गया हो, चाहे केसरिया का मामला हो, मुन्ना दुबे, मुन्ना दुबे उनके पिताजी आए, उनके पिताजी आए हैं, पिपरा में जिनके पिता की हत्या हुई थी, ये उनका चेहरा देखिए, ये मुन्ना दुबे जी के पिताजी हैं, ठीक है, हम कल दिखा देंगे। ये रोहित का भाई है, हाँ भाई, रोहित के भाई और पिता है दोनों, ये देख लीजिए, और मुन्ना दुबे के पिताजी को देख लिए, देखिए अब ये आपको यहाँ सामने में दिख गया। ये सभी पीड़ित परिवार को अभी तक पिपरा वाले हो चाहे मुन्ना हो और चाहे हमारे बच्चे रोहित, और उसके बाद राजीव की घटना में देखिए, ये थाना इंचार्ज का दस्तखत है जिसको आपको हम सबको कॉपी दे रहे हैं, और ये रुपेश कुमार सिंह ने जो कहा है उसमें मैं सारी बात आपको उद्धृत कर रहा हूँ, ये सारे कॉपी हैं। रुपेश कुमार सिंह ने कहा, सबसे पहले क्या कहा वो आपको मैं बता रहा हूँ। रुपेश कुमार सिंह ने पुष्कर सिंह, कुणाल सिंह, करण सिंह, देवव्रत सिंह, बुल्लेट सिंह, विपुल कुमार, राहुल सिंह, सिगरेट गार्ड बाबू, देवा गुप्ता, अरुण कुमार सिंह, विनोद सिंह, अरुण चकिया, सूरज ठाकुर, विवेक सिंह, जेल में इन लोगों ने मुलाकात की, देवा गुप्ता और एक मुखिया। इन लोगों का था कि यदि पूरे मोतिहारी में दहशत नहीं फैलाया गया तो हम लोग का अधिपत खत्म हो जाएगा। पूरा डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देवा गुप्ता और मुखिया ने पिस्टल दिया, तीन में मारने की योजना बनी, चौराहे पर मारने की योजना बनी, और पूरे मोतिहारी में अन्य और लोगों को मारने की योजना है। ठेकेदारी में वर्चस्व के कारण, लेकिन इसका फ्रेम अपने तक नहीं लेता है, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से नाम आ चुका है रुपेश कुमार सिंह, और थाना प्रभारी दिखाई नहीं दे रहे आरओ और एसी धनंजय कुमार, इंस्पेक्टर सचो, इसमें सबका नाम आ चुका है। मोतिहारी हॉट केक है, हॉट केक। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मेरा सीधा सवाल है, 10 दिनों में 15 हत्या, व्यवसायियों से लेकर के, कुशवाहा से लेकर के, दुबे से लेकर, एक बेटी का बलात्कार से लेकर, एक बच्चे की मौत से लेकर, ढाका मोड़ से लेकर, आपको आश्चर्य होगा, लगातार इसके पहले भी आरटीआई की हत्या हुई थी जिसमें राजेंद्र गुप्ता जी का नाम बहुत क्लियर था। राजेंद्र गुप्ता जी राजनीतिक पार्टी के नेता और एक पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जिसका नाम शुरू से लेकर के यहाँ के जमीन में पूरा का पूरा यहाँ के नेताओं का पूरी भागीदारी, साझेदारी, सारे जमीन माफिया, चाहे वो चीनी मिल की जमीन को अधिग्रहण कर लिया पीएम के वादा के बाद, चाहे रजगरिया की जमीन हो, चाहे खासमल की जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो, जिस किसी की भी जमीन हो, नेता और यहाँ के जमीन माफिया के मिलीभगत से लगातार अपराध, रक्सौल से लेके ढाका, पूरा बॉर्डर इलाका, सोना से लेके गांजा, गोरख से लेके ड्रग्स, कोई भी एक काम आम आदमी का यहाँ का जनप्रतिनिधि
तीन सांसद होने के बावजूद भी, 12 विधायक होने के बावजूद, अपराधी माफियाओं के खिलाफ यहाँ का एक भी जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा। मोतिहारी के आम लोग बेटी की सुरक्षा चाहते, मोतिहारी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के आम लोग अपनी माँ और बहनों की सुरक्षा चाहते, मोतिहारी पूर्वी चंपारण को अपराध और माफियाओं से मुक्ति, 47 से मुक्ति, आम आदमी के परिवार की आजादी के लिए आज जन अधिकार पार्टी और यहाँ की जनता आज सड़कों पर थी। हमारे राष्ट्रीय नेता कल से यहाँ कैंप कर रहे हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह जी हो, पप्पू जी हो, हमारे पूर्व विधायक दो बार हमारे भाई दिनेश जी हो, चाहे स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो, चाहे पीछे बैठे हमारे सभी राष्ट्रीय महासचिव और अन्य जिले के भी बगल के साथी, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष से लेकर सभी साथी, मुजफ्फरपुर के सारे नेता आज यहाँ मौजूद हैं। गांधी ने जो सपना देखा था आजादी का, आज एक बार अंग्रेज से भी खतरनाक स्थिति आज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की है। हम राजीव के परिवार की सुरक्षा भी चाहते हैं, हम कुशवाहा जी के परिवार की सुरक्षा भी चाहते हैं, उस बच्चों को मारना दे, और रोहित के परिवार। इस तरीके से मैं जो आरटीआई वाले मरे थे, राजेंद्र गुप्ता जी जिसमें इन्वॉल्व है, और पूर्व मंत्री एक पूर्व विधायक उसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह कुशवाहा जी वाले में वर्तमान विधायक इन्वॉल्वेशन है, उसी तरह पूर्व में भी बीजेपी के ही विधायक लोग इन्वॉल्व है, और आज भी बीजेपी के विधायक इन्वॉल्व है। हम SIT की मांग करते हैं, उस मामले में भी हर परिस्थितियों में, यदि सरकार हमारी मांग 20 दिनों के अंदर नहीं मानी तो हम 9 तारीख के बाद 10 तारीख को मुजफ्फरपुर में पंडित खुदीराम बोस के धरती से, उस मूर्ति से, मोतिहारी तिरहुत आजादी, पूर्वी चंपारण और तिरहुत की आजादी, अपराधियों से मुक्ति, हम पटना पैदल मार्च करेंगे। उसके बावजूद भी सरकार यदि नहीं चेती, अपराधियों की गोली चलती रही, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मोतिहारी को मैं अपने खून से ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो मोतिहारी के धरती से ही पप्पू यादव की अर्थी उठेगी। जब तक गांधी का सपना पूरा नहीं होगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठे। यही संकल्प है, यही नाम है, यही लोग हैं। आपको हमारे नेता प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह, यहाँ के अध्यक्ष पवन सिंह और यहाँ के प्रधान महासचिव, आपको सभी को प्रेस के साथ ये नोटेड भेज देंगे कि हमने क्यों कुणाल देवा गुप्ता का नाम लिया था। यही कारण था, जो मैं जानता था कि लोगों ने हत्या करवाई, टेंडर के कारण यहाँ लगातार हत्या होगी। क्या हम इन नेता और ठेकेदारों के टेंडर को पदाधिकारी रोकेंगे या नहीं? चाहे वो 40-50 करोड़ का टेंडर विधायक MP फंड का हो, इसमें लिखा हुआ है हमने गोली इसलिए मारी कि 40-50 करोड़ का टेंडर आना हमको चाहिए, इस पर कोई और ना ले। यदि प्रशासन ने टेंडर में आम आदमी को सुरक्षा नहीं दिया तो उस टेंडर में पप्पू यादव खड़ा होकर टेंडर दिलवाए, जिसको जितना 47 चलाना हो वो चला के देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।